दोपहर 2 बजे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में संविधान की शपथ लेंगे। यूपी बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिलों को शपथ ग्रहण के लिए निर्देश भेज दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक इस समारोह में प्रत्येक क्षेत्र से कम 2 कार्यकर्ता 24 घंटे पहले मौके पर पहुंचेंगे। सांसद, विधायक, महापौर, चेयरमैन की सूची तैयार कर लखनऊ भेजने के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था सांसद, विधायक और पार्टी की तरफ से कराए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साधु संतों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, समाज सेवी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में जुटने वाले खास लोगों की बात करें तो उसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के सीनियर पदाधिकारी शामिल होंगे। तो वहीं 3 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ के हिस्ट्री बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 25 तारीख को शपथ ग्रहण होना है और सबसे जो खास बात है शपथ ग्रहण की वो ये है कि इसमें जो भी लाभार्थी हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के या फिर राज्य सरकार की योजनाओं के, वो सब भी शामिल होंगे। वह इस खबर पर और कुछ क्या जायजा है इसकी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ मौजूद है। गौरव, 25 तारीख को शपथ ग्रहण होनी है, पहले तो क्या कुछ तैयारियां हैं शपथ ग्रहण को लेकर के? निश्चित रूप से बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है जो अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेडियम है, और बड़ा कार्यक्रम इसलिए कहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने जा रहा है। इतिहास वो ऐसा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा लगातार सत्ता पे आसीन होने जा रही है, और जो मिथक था 37 साल का कि कोई भी पार्टी लगातार 2 बार सत्ता की कुर्सी पे काबिज नहीं हुई है, ये सारे मिथक को तोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर दोबारा बनने जा रही है और मुख्यमंत्री जो कि उनके चेहरे थे और दोबारा 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, साथ में उनके जो मंत्रिमंडल होगा उसका शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। और निश्चित रूप से तैयारी बहुत बेहतर है, प्रत्येक जिले से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, कम से कम 2 कार्यकर्ता आएंगे और सारे जिलाध्यक्ष और जो MLC पद के प्रत्याशी है या जो सांसद हैं, जो बड़े बड़े नाम है, पदाधिकारी है, चाहे वो प्रदेश से हो चाहे जिले से हो, सबको आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा जो राज्यों का जो भाजपा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको भी बुलाया गया है, और साथ ही साथ संघ का एक बहुत जुड़ाव रहा है तो संघ के सरकार्यवाहक मोहन भागवत और तमाम पदाधिकारी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वो भी इस कार्यक्रम में आने वाले, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ा कार्यक्रम है और साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के तमाम योजनाओं में लाभ लिया है, तमाम योजनाएं जिससे उनके जीवन लाभान्वित हुआ है, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होगा। बड़ा कार्यक्रम होगा इसलिए बहुत बड़ी जगह पर लिया गया है और इसकी तैयारी लगातार चल रही है। जी गौरव, एक जो सबसे खास बात देखी जा रही शपथ ग्रहण समारोह की, जिस तरह से एक हिस्टोरिकल शपथ ग्रहण समारोह है उसी तरह से एक अलग इसमें हुआ है कि लाभार्थी जो हैं योजनाओं के, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है, तो किस तरह से इसको आप देखते हैं और क्या एक अलग मैसेज जाएगा जनता के बीच में इससे? देखिए, योजनाएं अलग बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि लाभार्थी जब वहां पहुंचेंगे तो एक अलग उत्साह रहेगा, क्योंकि अब तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि अगर शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है और लाभार्थी बुलाया जाता है, अमूमन देखा जाता है राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं या जो पार्टी का जो नेतृत्व होता है वो आता है, पर यहाँ पर लाभार्थी को बुला के एक अलग प्रकार की पहल की जा रही है जिससे उनके अंदर भी एक प्रकार उत्साह जागेगा, क्योंकि तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर लें, आवास की योजना बात कर लें या खाद्यान्न योजना की बात कर लें, सारी योजनाओं का राज्य सरकार से जुड़ाव रहता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार काम किया है। कोरोना समय में हमने देखा था लगातार खाद्यान्न बांटा गया था, तमाम ऐसी योजनाएं थी जो कि निःशुल्क थी और उसका लाभ भी जनता को मिला है, और निश्चित रूप से अगर जनता को वहां पर आएगी, जो लाभार्थी वहां पर आएंगे, एक अलग संदेश जाएगा। और चूंकि 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से और इससे जुड़े जिससे एक अलग संदेश जा सके और वो समीकरण आने वाले भविष्य में 2024 के चुनाव में काम आ सके। जी गौरव, जिस तरह से खूबसूरत तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, साथ ही साथ जो आरएसएस प्रमुख है वो भी इसमें रहेंगे और एक रूल भी है
जो पूर्व सीएम है उनको भी इसमें आमंत्रित किया जाता है, तो इसमें कई पूर्व सीएम को भी आमंत्रित किया गया है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह के वाद विवाद हुए, जिस तरह से जुबानी वार पलटवार हुई, इसको देखते हुए क्या कुछ और आशंकाएं लगाई जा रही है, क्या कुछ और ऐसा देखा जा रहा है कि कौन कौन उपस्थित हो सकता है इस शपथ ग्रहण समारोह में? देखिए लोकतंत्र का, देखिए जैसा लोकतंत्र का महापर्व है और आरोप प्रत्यारोप तो जायज सी बात है कि चुनाव है, और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप नहीं होंगे तो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच काम कैसा? और निश्चित रूप से सत्ता पक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष आरोप लगाता है, जवाबदेही होती है। और अब हम देख रहे लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अब एक दौर सा चल गया है कि हम आरोप देंगे और वो हमारे आरोप का जवाब देंगे। और रही बुलाने की बात, तो हमेशा से ही जो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं या जो अन्य पार्टी के नेता होते हैं, चाहे सपा की बात करें अखिलेश यादव को न्योता दिया जाएगा और जो बसपा सुप्रीमो मायावती उनको न्योता दिया जाएगा, प्रियंका गांधी को न्योता दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक पुरानी परिकल्पना है और एक पुराना सौहार्द है कि जो भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है उसमें पुराने नेता को, अन्य विपक्षी पार्टी के नेता को बुलाया जाता है, परंपरा है और निश्चित रूप से इसका निर्वाह किया जाएगा। जी गौरव, अभी 4 बजे से एक बैठक भी होने वाली है जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई प्रमुख लोग भी शामिल है, तो क्या कुछ अहम फैसले इस मीटिंग के दौरान होने की खबरें आ रही है जो 25 तारीख के जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके लिए अहम होगा? देखिए शपथ ग्रहण समारोह की मीटिंग अलग है, पर यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि 21 मार्च की आज और 4 बजे बैठक होनी है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं और साथ में एक जो पर्यवेक्षक के तौर पर रहेंगे और साथ ही सह पर्यवेक्षक रघुवर दास जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और उनके साथ यहाँ पर गहन मंथन होगा और गहन मंथन उनका जो मंत्रिमंडल में जो नाम जाने हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव है और जाति समीकरण साधना बहुत जरूरी है, इससे कई जो पुराने नाम थे मंत्रिमंडल वो भी दोबारा आएंगे और कई नए नाम भी शामिल होंगे, लोगों का परिवार भी बदलेगा, कुछ लोग प्रमोट भी किए जाएंगे, कुछ का जो दायित्व वो भी पड़ेगा। तो इस पर चर्चा करने की बात है, क्योंकि 24 मार्च को कहा जा रहा है क्यों जो कारबाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा और विधायक दल नेता चुनने के बाद ही जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया वो होती है। तो यहाँ पर जो बैठक हो रही है वो मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर हो रही है, किसको शामिल किया जाएगा, किसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि अहम फैसला रहेगा किसको जोड़ना है, क्योंकि 2024 चुनाव है, 2024 चुनाव को देखते हुए यहाँ पर जाति की समीकरण बैठाना बहुत जरूरी है। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी, साथ ही साथ जो योगी सरकार 2.0 उसकी अहम खूबसूरती ये भी है कि जो भी लाभार्थी हैं वो भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, आम जनता को भी मौका मिलेगा स्क्रीनिंग के माध्यम से। तो ये एक खूबसूरती देखी जा सकती है शपथ ग्रहण समारोह में कि कई आम लोग भी शपथ ग्रहण समारोह को बड़े बड़े स्क्रीन के माध्यम से देख पाएंगे। तो ही अब नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो सामने आ चुके हैं, 403 विधायक जो जीते हैं उनके आवास को लेकर भी अब लगातार तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूपी में नए मंत्रियों के बंगले और गाड़ियों की भी तैयारी कर ली गई है, सभी 403 विधायकों को आवास जो है वो भी अलॉट हो चुके हैं, मंत्री पद की शपथ लेने वालों के लिए भी बंगले तैयार कर रहे हैं, राज्य संपत्ति विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य संपत्ति विभाग के पास करीब 200 गाड़ियां हैं और लगातार राज्य संपत्ति विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है, जो भी नवनिर्वाचित विधायक हैं जो भी मंत्री पद का शपथ लेंगे उनको आवास आवंटित करने के लिए, उनको गाड़ियां आवंटित करने के लिए। इसी बीच राज्य संपत्ति विभाग का ये भी कहना है कि जरूरत होने पर किराए पर भी गाड़ियां ली जाएंगी। तो इस तरह से अभी जो योगी मंत्रिमंडल 2.0 होंगे उनके आवास और उनके गाड़ियों की भी तैयारी की जा रही है। जो नए विधायक 403 होंगे, जो पक्ष पार्टी के विपक्ष पार्टियों के अन्य पार्टियों के जिन्होंने भी जीत दर्ज की है उनके आवास के आवंटन के लिए भी राज्य संपत्ति विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयारियां कर चुका है। और साथ ही साथ राज्य संपत्ति विभाग का यह भी कहना है कि 200 गाड़ियां उसके पास है, जरूरत पड़ने पर अन्य गाड़ियां भी किराए पर ली जाएंगी। तो इस तरह से लगातार अभी शपथ ग्रहण बाकी है, मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है, लेकिन राज्य संपत्ति विभाग भी अपनी तैयारियां
पूरी कर चुका है। कहीं ना कहीं एक इसको कहे तो एक प्रतिबद्ध सरकार का एक अहम हिस्सा है। लगातार जिस तरह से प्रतिबद्ध होकर राज्य संपत्ति विभाग भी कार्य कर रहा है कि कोई भी देरी ना हो आवंटित करने में आवास, इससे राज्य संपत्ति विभाग की एक्टिव जो एक्टिविटी है वो देखी जा सकती है। वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, शपथ ग्रहण समारोह 25 तारीख को है, हालांकि 403 जो विधायक हैं उनका आवास आवंटित हुआ, लेकिन जिस तरह की तेजी, जिस तरह की मुस्तैदी राज्य संपत्ति विभाग दिखा रहा है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ फिर भी उनके जो आवास है उनका आवंटन करना शुरू कर दिया राज्य संपत्ति विभाग, किस तरह से देखते हैं आप इसको? जी दस्तरा, अगर बात करें तो 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद योगी आदित्यनाथ फिर से दूसरी बार देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं 25 तारीख को, और 25 को इकाना में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें तमाम मंत्री और राज्य मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। तो वहीं अगर बात करें तो जो 403 सीटों से विधायक चुन के आए हैं तो राज्य संपत्ति विभाग उनके आवासों को आवंटित कर चुका है, और वहीं अगर बात करें तो जो मंत्री अभी तक पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं और वो फिर से मंत्री बनाए जाते हैं तो वो उसी आवास में रहेंगे। साथ ही साथ जो नए मंत्रिमंडल में नए चेहरे आएंगे मंत्री बनके, उनके आवास की अगर बात की जाए तो मंत्री के शपथ लेने के बाद, शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनके आवास भी जो राज्य संपत्ति विभाग है उनकी तरफ से आवंटित कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ राज्य जो संपत्ति विभाग है उसकी तरफ से बताया जा रहा है कि लगभग उनके पास 200 गाड़ियों का बेड़ा है और जरूरत पड़ने पे किराए पे और ली जा सकती हैं, और उन्हें जो 403 विधायक हैं चाहे मंत्री हैं उन लोगों को जो सरकारी गाड़ी दी जाती है संपत्ति विभाग के द्वारा वो दी जाएंगे। जी जी, अविभांशु से मैं एक सवाल ये भी निकल के सामने आता है कि क्या जो विधायक अपने सीट से चुनाव हारे हैं उनसे उनकी आवास खाली करवा लिए गए, या फिर अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है विभांशु, ऐसे में मंत्रियों के जो आवास है वो उसका जो ब्यौरा है वो राज्य संपत्ति विभाग दे रहा है, ऐसे में सवाल उठ के ये आता है कि बिना मंत्रिमंडल का विस्तार हुए राज्य संपत्ति विभाग ने इनको आवास आवंटित किए कैसे? जी त्रिशला, अगर बात करें तो चुनाव हो चुके हैं और 403 सीटों पे 403 सीटों से 403 विधायक वहां से चुनाव जीत के आ चुके हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें विधायक आवास जो कि लखनऊ के अंदर में अधिकांश हिस्सों में, चाहे बात की जाए गोमती नगर की, चाहे बहुखंडी की, चाहे बात की जाए दारुल सफा के पास के मंत्री आवास की, तो सभी जगहों पे उनके आवास शपथ से पहले ही आवंटित कर दिए जाते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पूर्व सरकार में राज्य श्रम एवं रोजगार मंत्री थे उनके आवास के ठीक बाहर खड़ा हूँ, जो कि पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जो भी मंत्री या विधायक अपने आवास को छोड़े हैं उस पे मरम्मत और सफाई के काम कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो नए विधायक है उनको आवंटित कर दिया जाता है, ऐसा चुनाव के बाद होता है। मगर राज्य संपत्ति विभाग ने थोड़ी तेजी दिखाई कि इस बार शपथ से पहले ही विधायकों को उनके आवास आवंटित कर दिए, साथ ही साथ जो मंत्री पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं और उन्हें इस बार भी अगर मौका मिलता है तो उन्हें आवास बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी में रहेंगे। और साथ ही साथ नए चेहरों के लिए लगभग जो आवास है उसको मरम्मत कर दी गई है, सफाई कर दी गई है, और शपथ के बाद उन्हें मंत्री जो आवास है वो आवंटित कर दिया जाएगा। और वहीं गाड़ियों को लेकर पूरी जो राज्य संपत्ति विभाग है वो पूरी तैयार है कि जो भी फैसिलिटीज राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से दी जाती है, चाहे आवास हो चाहे गाड़ी हो, वो सब को लेकर राज्य संपत्ति विभाग पूरा चुस्त दुरुस्ती से तैयार है। जी जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। हमारे संवाददाता विभांशु आवास के बाहर ही मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार राज्य संपत्ति विभाग एक्टिव मोड में होकर तैयारियां पूरी कर ली है, शपथ ग्रहण के पहले ही मंत्रियों के जो आवास है उनकी भी तैयारियां हो चुकी। तो आपने देखा कि उस तरह से लगातार तैयारियां राज्य संपत्ति विभाग द्वारा भी पूरी कर ली गई हैं और 403 नवनिर्वाचित विधायकों को आवास देने की तैयारियां भी
पूरी कर चुकी है और अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है उसके पहले ही जो मंत्रियों के आवास और गाड़ियां हैं उनके भी इंतजाम राज्य संपत्ति विभाग द्वारा कर लिया गया है। भाजपा ने इस बार स्थानीय निकाय के एमएलसी चुनाव में अपने पर खूब भरोसा किया है। भाजपा के प्रदेश संगठन से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं की भी सूची में तवज्जो दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों को 6 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जारी की गई सूची में सुभाष यदुवंश, अविनाश सिंह चौहान, विनीत सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह, सुदामा सिंह पटेल और ब्रजेश सिंह प्रिंशु को उम्मीदवार बनाया गया है। शनिवार को घोषित 30 उम्मीदवारों की सूची में 12 ठाकुर, 9 पिछड़े, 5 ब्राह्मण, 3 वैश्य और 1 कायस्थ को टिकट दिया गया है। इसमें पार्टी ने अपने काडर के साथ सपा और कांग्रेस से आए नेताओं पर भी भरोसा जताया है। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी में जो कुल ठाकुर चेहरे हैं वह 12 चेहरे हैं। 30 उम्मीदवारों का नाम अभी तक घोषित हुआ है जिसमें से उसमें से 12 ठाकुर चेहरों पर एमएलसी के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिखाया है। वहीं 9 पिछड़े चेहरे और 5 ब्राह्मण चेहरों को भी तवज्जो दी गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हालांकि पिछली सरकार जो थी भारतीय जनता पार्टी की उस पर लगातार ये लांछन लगते चले आए हैं, उस पर यह आरोप लगताया है कि ब्राह्मण को प्रमुखता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। लगातार ब्राह्मणों को लेकर सवाल उठते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इस बार 5 जो एमएलसी अभी, हालांकि कई जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो बाकी है, इसके पहले एमएलसी का जो नामांकन है, 30 उम्मीदवारों में से 12 ठाकुर, 9 पिछड़े, 5 ब्राह्मण चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो दी है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। विभांशु, 30 उम्मीदवारों की सूची आ चुकी है जिसमें से 12 ठाकुर, 9 पिछड़े, 5 ब्राह्मण और 3 वैश्य और 1 को कायस्थ को टिकट दिया गया है। सबसे पहला सवाल जो पिछली सरकार थी ये उठ के सामने आता है कि उसमें लगातार यह सवालिया निशान खड़े गए थे, लगातार विपक्षी पार्टियां हमलावर रही हैं कि पंडितों को प्रमुखता नहीं दी गई। इस बार 30 में से 5 ब्राह्मण चेहरे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? जी, तो अगर बात करें तो जो 2017 से 2022 का कार्यकाल था योगी सरकार का, उसमें साफ तौर पे एक ऐसी छवि पेश की गई और ऐसे कहा गया कि ब्राह्मणों का तिरस्कार कर रही है भाजपा और ब्राह्मणों को अवहेलना कर रही है, उन्हें जो उच्च पद है उस पे नहीं बिठाया जा रहा है। और साथ ही साथ इस पे जो स्वतंत्र देव सिंह, उनका एक बयान आया था कि हमारी पार्टी में सभी जातियों के लिए एक समान अधिकार है। और वहीं अगर बात करें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कि टिकटों को लेकर भाजपा पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से टिकट बांटी, जिसके परिणाम सामने आए। वही इस बार के एमएलसी चुनाव में, जो कि यूपी के अंदर में 100 सीटें होती है और 6 राज्यों में एमएलसी के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव अस्तित्व में है, तो वहीं अगर बात करें तो 36 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं आपके भाजपा की तरफ से इस बार सभी जातियों को उतारा गया है, तो इस पे देख सकते हैं कि भाजपा का जो जातिगत समीकरण है वो कहीं ना कहीं बेहतर होता है और विधानसभा चुनाव में भी उसके नतीजे अच्छे आए थे। मगर विधान परिषद के चुनाव, जो कि आपके 26 मार्च से और कि 14 अप्रैल के बीच चुनाव होने हैं, और चुनाव के बाद जब इस पे फैसले आ जाएंगे तब कहना ये लाजमी होगा कि क्या ऐसा वाकई में भाजपा करती है या भाजपा पे जो आरोप लगते हैं उसका क्या अर्थ निकलता है। वही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के अंदर में 100 सीटें हैं, जिसमें लगभग 36 सीटों पे जो वोटिंग पैटर्न होते हैं वो विधायक वोट देते हैं। वही 38 सीटों पे जो लोकल बॉडी होते हैं, चाहे बात की जाए क्षेत्र पंचायत सदस्य की, चाहे जिला पंचायत सदस्य, चाहे बात की जाए जिला पंचायत अध्यक्ष, ये लोग वोट करते हैं। वही 8 सीटों पर स्नातक वर्ग के चुनाव होते हैं और वही 8 सीटों पर स्नातक शिक्षक निर्वाचन के तहत चुनाव होते हैं। वही अगर बात की जाए तो 10 सीटों पर आपके जो राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल है, उनके द्वारा 10 सीटों पर मनोनीत किया जाता है। और ये अगर बात की जाए तो ये हूबहू जो
विधायक होते हैं उनके ही तुलने के एमएलसी होते हैं। और वहीं अगर बात की जाए कार्यकाल की समय सीमा की, तो विधायक की 5 साल होती है, तो वही एमएलसी की 6 साल होती है। और एमएलसी चुनाव के ठीक पहले आज बीजेपी के अंदर में एक बैठक हो रही है, 4 बजे से वो बैठक चल रही है, जिस बैठक में आपके शपथ ग्रहण और एमएलसी चुनाव के ऊपर मंथन किया जा रहा है कि कैसे हम एमएलसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी तसला जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। विधानसभा चुनाव के प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो अपने दौरे पर आज गए हुए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद उनका ये पहला दौरा है। आपको बता दें आजमगढ़ के दौरे पर चुनाव 2022 विधानसभा खत्म होने के बाद वो पहली बार पहुंचे हैं। 10 सीटों पर जीत हासिल करने पर उन्होंने वहां की जनता का आभार भी जताया। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण अखिलेश यादव करेंगे और वो आज आजमगढ़ पहुंचे हुए हैं। अखिलेश, आपको बता दें कि 10 सीटें जो अखिलेश यादव वहां से जीते थे, उस पर जीत पर उन्होंने आभार भी जताया है। 2022 विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद पहली बार अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और लगातार एमएलसी चुनाव को लेकर भी समाजवादी पार्टी अपने जो गुणागणित है वो सेट कर रही है, लगातार अपने प्रत्याशियों को सामने कर रही है, अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से हारने के बाद समाजवादी पार्टी लगातार प्रतिबद्ध दिख रही है, पर एमएलसी चुनाव में अपनी सक्रियता लगातार दिखा रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, 2022 विधानसभा में हार के बाद पहली बार अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे हुए हैं, जहां से वो सांसद भी हैं और 10 सीटों पर जीत जो उन्होंने हासिल की है उसका आभार भी व्यक्त किया है। क्या कुछ देखते हैं आप आज जो दौरा है, अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं आजमगढ़? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हार के बाद नहीं पहुंचे, क्योंकि आजमगढ़ सहित 5 जिलों में उन्होंने क्वीनशिप किया है और आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जीते हैं, तो बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि में लोगों का आभार जताने के लिए वहां के विधायकों से मिलने के अखिलेश यादव वहां पर गए हैं। विधानसभा में हार हुई है, पर चूंकि जिस तरह से उन्होंने क्वीनशिप किया है, अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़, और साथ ही साथ उन्होंने अभी हाल में कहा था कि वो अभी हाल में करहल भी गए थे और आज आजमगढ़ गए। उन्होंने कहा था कि मैं जनता से पूछूंगा, जनता जानूंगा कि मुझे विधायकी करनी है या सांसदी करनी है। ये फैसला उन्होंने जनता के ऊपर छोड़ा था, इसके चलते अखिलेश यादव आज आजमगढ़ गए हैं। वहां पर विधायकों से भी मिलेंगे, उसके साथ ही साथ जनता से भी उनका संवाद होगा, वो उनसे ही पूछेंगे और पूछने के बाद मंथन करेंगे कि उनको सांसदी करनी है कि विधायकी करनी है। और साथ ही साथ चूंकि यह बड़ा अचीवमेंट उनका है, बड़ी उपलब्धि है कि समाजवादी पार्टी ने सभी 10 सीटों पर विजय हासिल की है। इसके पहले 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब आजमगढ़ की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और इस बार 10 सीटों पर जीत हासिल की है। उनका संसदीय क्षेत्र है, निश्चित रूप से एक आभार व्यक्त करने गए हैं और यहाँ पर सभी प्रत्याशी मिलकर एक विचारधारा है उसको मजबूत करना है, क्योंकि आने वाले भविष्य में 2024 का इलेक्शन है, 2024 के चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए उनकी प्रयास रहेगा कि जनता संवाद किया जा सके। और संवाद के साथ साथ एक फैसला भी उनको बड़ा लेना है कि उनको करल से विधायकी करनी है। करल से उन्होंने हाल में ही एसपी सिंह बघेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उनको हराया था, कि आजमगढ़ से उनको सांसदी करनी है, तो बड़ा फैसला उनको लेना है। जी गौरव, लगातार इसी में जो समाजवादी पार्टी के भी एमएलसी के लिस्ट है वो सामने आ रही है, उसमें कई प्रमुख चेहरे भी सामने आए हैं और लगातार कितने ऐसे में जो उनका आज का दौरा है, वो आपने कहा कि जैसे कि अहम है कि उन्होंने कहा था वो जनता से पूछेंगे कि वो अपनी सांसदी की सीट पर बरकरार रहे या फिर विधायकी की सीट पर बरकरार रहे। ऐसे में गौरव, क्या कुछ और अहम फैसले वो जो आजमगढ़ में आज गए हैं, क्या कुछ और अहम फैसले ले सकते हैं, क्योंकि अभी वो लगातार कई लोगों से वहां पर मुलाकात भी करने वाले हैं? देखिए, आभार जताने के साथ साथ संवाद भी उनका जनता से रहेगा और संवाद के साथ साथ मैंने आपको बताया कि उनको मंथन भी करना है कि सांसदी करनी है कि विधायकी करनी है, क्योंकि दोनों के अलग अलग पद हैं और कोई भी अगर व्यक्ति होता है वो एक ही पद पर रह सकता है, चाहे वो सांसद रहे या विधायक रहे, तो एक पद यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। और पद छोड़ने के बाद 2024 का चुनाव भी है, और करहल से अगर विधायकी की बात करें तो करहल सीट किसको दी जाएगी ये भी मंथन करना है। पर उन्होंने सारा फैसला जनता के ऊपर छोड़ा है, जनता संवाद करेंगे। अभी हाल में ही करहल गए थे और आज आजमगढ़ में है। चुनाव में
हार के बाद विधानसभा चुनाव में हार हुई है, पर आजमगढ़ सीट से सभी 10 सीटों पर जीत हुई है, तो उत्साह तो निश्चित रूप से होगा कि संसदीय क्षेत्र भी है, जनता का आभार व्यक्त करेंगे, साथ ही संवाद भी करेंगे और एक मंथन किया जाएगा किस तरह से आगे की रूपरेखा तैयार की जाए, क्योंकि आगे 2024 में चुनाव है और बड़ा चुनाव रहेगा, वो सांसद भी है और सांसद होने के नाते जनता सम्मान आवश्यक है। जी गौरव, एक खबर सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आ रही है कि जो आरएलडी प्रमुख है जयंत चौधरी, उनको राज्यसभा भेजने की तैयारियां चल रही है, तो अगर उनको भेजा जाता है तो क्या कुछ और फायदे और क्या कुछ रणनीति की वजह से समाजवादी पार्टी अब जयंत चौधरी को उनको आगे भेजेगी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जयंत चौधरी की अगर बात करें तो बड़े नेता रहे हैं और उनके पिता भी बड़े नेता रहे हैं और निश्चित रूप से पश्चिम में उसके पिता से बड़ा चेहरा है और अभी उन्होंने हाल में ही समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। हालांकि जो उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर आसान होगी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, पर कहीं ना कहीं सीटें बढ़ी हैं और निश्चित रूप से अब उनको आगे कर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसको साधने का प्रयास किया जाएगा कि 2024 में चुनाव है, इसके साथ 2027 में फिर उत्तर प्रदेश चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखते हुए जो समाजवादी पार्टी है वो एक थिंक टैंक मजबूत कर रही है और ये शुरुआत कर रही है किस तरह से हम आगे के लिए तैयारी करेंगे जिससे कि समय पर हम वोट को आकर्षित कर सकें, उनको साध सकें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी संख्या सीटें होती है, हालांकि जिसकी उम्मीद थी उनको उतनी सीटें नहीं मिली, पर उस समीकरण को दोबारा मेंटेन करने के, उसको व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर जयंत चौधरी को रसवा भेजा जा सकता है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव, हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े थे। वही आज आजमगढ़ के दौरे पर अखिलेश यादव हैं, विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अखिलेश यादव का ये दौरा है। हालांकि अखिलेश यादव ने करहल की सीट पर जीत के बाद ये कहा था, ऐसा संविधान में है कि आप दो आधिकारिक पद पर नहीं रह सकते। इसके बीच अखिलेश यादव ने यह कहा था कि वो जनता से पूछेंगे कि अपनी वो विधायकी की सीट पर रहे या फिर वो सांसदी के सीट पर रहे। इसी कड़ी में आज पहली बार विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे हुए हैं। हालांकि 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।